आप आर्ट्स चूज करने दिए तो इसको लेके भी बहुत सारे लोग बोले होंगे साइंस लेने दीजिए कॉमर्स लेने दीजिए बिहार तो की हजारों बहनें आपको सुन रही होंगी तो उनसे क्या कहना चाहेंगे किस तरीके से वो तैयारी करे कि वो स्टेट टॉपर में आए तो अब साक्षी आप थोड़ा सा हमें ये बताइए आप कितना कितना घंटे पढ़ाई कर रहे थे क्या आप सोशल मीडिया चलाते हैं किसी भी सोशल मीडिया पर आप नहीं है नही सोशल मीडिया पे रहना चाहिए को। अपने तो बहुत अच्छा है, सर। तो आज हम आ चुके हैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ से साक्षी सुमन पूरे अपने डिस्ट्रिक्ट में रैंक टू लेके आए हैं आर्ट्स स्ट्रीम से साक्षी कैसा लग रहा है थैंक यू सर यहाँ तक आने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है जब आप रिजल्ट सुने थे जी. तो आपको क्या पहले से एक्सपेक्टेशन था कि वो रिजल्ट आ रही होगी सिर्फ कॉल आया था ना उस दिन तो लगा था कि अच्छा मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था तो लगा था कि रैंक आ जाएगा उम्मीद था कि स्टेट में आ जाएगा लेकिन डिस्ट्रिक्ट तक ही रह पाया अच्छा सबसे पहले आपका पेपर कौन कौन सा है वो पेपर बताइए और मार्क्स कितना कितना है वो बताइए जी मेरा आर्ट्स स्ट्रीम है जिसमें मेरा हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट है और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज और मेरा एडिशनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो मुझे सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स में आया है नाइन्टी उसके बाद इंग्लिश में नाइन्टी

और सबसे हाईएस्ट मार्क्स इसमें रहा मेरा सबसे मैथमेटिक्स में।, में देखा जाता है लोग नहीं लेते हैं। तो मैथमेटिक्स का ख्याल आया कहां से? लेने का इंटरेस्ट आता तो में में अच्छा 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 था तो वहीं से था कि आगे जाके मैथ्स तो लेना ही है फिर पापा से पूछे में आर्ट्स में मैथ ले सकते हैं तो पापा बोले कि हाँ ले सकती है बिल्कुल तो फिर वहाँ पे ऑप्शन कॉलेज में आगे ले सकते वहाँ से इंटरेस्ट था तो ले लिए अच्छा रिजल्ट जो पता चला आपको तो क्या आपको रैंक पता था कि आपका रैंक डिस्ट्रिक्ट में आने वाला है जी सर तो स्टेट तो 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 में नहीं आया तो कि लगा लगता है नहीं लेकिन पापा बोले थे कि में जरूर आएगा क्योंकि अच्छा गया तुम पढ़ती अच्छा हो लेकिन फिर कॉल आया थोड़ी देर बाद दैनिक जागरण की तरफ से आपका डिस्ट्रिक्ट रैंक टू है तो दैनिक जागरण वाले आए थे यहाँ पे नहीं सर वो कॉलेज पे थे और उन्होंने से डिटेल्स लेकर के पेपर पे दिया था अच्छा तो घर तक कोई नहीं आए है हाँ जी घर पे आए हैं हाँ। पांच छह मीडिया वाले आ चुके हैं घर पे फिर अच्छा। एक न्यूज़पेपर में भी आया था आया देखिए नॉर्मली जितना भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो इसी उम्मीद में देख रहे हैं आपसे कि आप अभी अपने डिस्ट्रिक्ट में रैंक अच्छा लाए हैं आर्ट्स से आर्ट्स के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो दो में दो में अपना बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं कहीं ना कहीं आपसे उम्मीद लगा कर रखें कुछ आप उनको जानकारी देंगे आप अपने पढ़ाई के बारे में किस तरीके से आप शुरुआत किए थे एलेवेंथ में किस तरीके से आप चूज किए आर्ट्स स्ट्रीम को क्या कहानी रही वहां से शुरू करके अलवेंथ का तैयारी कैसा हुआ ट्वेल्थ किस तरीके से शुरू किए और किस प्रकार से अंत किए इसको आप बताइए रखिए रिविजन पे, पे एनसीआर पे बाकी और भी कहीं इधर उधर का गाइडेंस चाहिए तो फिर एजुकेशन बाबा बेस्ट प्लेटफॉर्म है क्योंकि स्टार्टिंग में हम कोई भी हम मतलब एक बार बस आप एक वीडियो देख लेंगे उसके बाद आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप हंड्रेड स्कोर कर सकते हैं तो सर मैं तो सबको बोलूंगी कि इस प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़े और मैं गारंटी देती हूं कि उनका बहुत अच्छा आएगा आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं इस चैनल पे अच्छा वो तो एजुकेशन के बारे में अलग से हुआ आप सबसे पहले अभी हमें ये बताइए कि आप पढ़ाई किस किस तरीके से किए मतलब होता है कि पढ़ाई करने का हमारा तरीका क्या है किस तरीके से नोट्स बना रहे थे कब पढ़ रहे थे? ये के बारे में अपना कवर कर लिया उसके बाद फिर रिवीजन हर एक चैप्टर का और रिवीजन के दौरान पी वाई की उसमें कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उस चैप्टर से वो पढ़ लेते थे और रिविजन करते रहते थे ताकि हो जाए मेरा नवम्बर के टाइम में सिलेबस कम्पलीट हो गया था उसके बाद हम रिविजन स्टार्ट कर दिए थे या फिर कम अच्छा। जहाँ ज्यादा इंपोर्टेंट था वहाँ जैसे हम लोग का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट तो वहाँ तो होता ही है और दुर्गा पूजा में नहीं कहते सर यही थे वही चीजें होती है जब एग्जाम का समय आता है तो कुछ ना कुछ फेस्टिवल बहुत ज्यादा उस समय रहते हैं और उसी समय स्टूडेंट जो है मतलब अगर उन्हीं सब चीजों में लगातार लगे रह जाते हैं तो वहाँ पे भी कुछ बैक आते हैं क्यूँकी जब कोई स्टूडेंट सो रहा होता है या जब कोई स्टूडेंट पढ़ नहीं रहा होता है कोई ना कोई स्टूडेंट उस समय पढ़ रहा होता है जी सर आप ये अपने क्लासेस में भी बोलते थे तो वो कनेक्ट होता था कि सर सर सही बोल रहा है, कोई पढ़ रहा होगा आप हमें बताइए जब आप रिजल्ट आप सुने तो आपको कैसा लग रहा था बहुत बहुत अच्छा लगा सर बहुत अच्छा लगा बहुत प्रसन्नता हुई भावुक पल था वो बिल्कुल बिल्कुल भावुक पल था जब बहुत सारे मीडिया वाले सारे लोग आ रहे थे कॉल आ रहा था सभी लोगों का तो एक अलग साइव आ रहा होगा अलग सा फीलिंग आ रहा होगा कि मेरी बच्ची ने कुछ किया है कुछ कारण बस नहीं हो पाया देखिए जहाँ तक बात करें अभी डिस्ट्रिक्ट में रैंक है तो ऐसा नहीं है कि मतलब मेहनत जो बिहार टॉप में रैंक वन वाले जो किए होंगे इनका मेहनत कम होगा ऐसा नहीं होता है जो भी अगर वेरिफिकेशन में चले गए सारे बच्चों का ऑलमोस्ट मेहनत बराबर होता है वेरिफिकेशन तक पहुंचना ही अपने आप में एक बड़ा बात होता है वहां तक जो पहुंचे ऑलमोस्ट सबका जो है ना कहीं ना कहीं कही पढ़ाई सेम होगा स्ट्रगल सेम होगा संघर्ष सेम होगा और उसके बाद जाके जो रिजल्ट आती है उसमें थोड़ा बहुत एक किसी का एक मार्क्स कम दो मार्क्स कम वो सब चीजें होती है तो वो तो डिपेंड करता है टीचर किस तरीके से चेक करते हैं बाकी मेहनत प्रॉपर होगा है ना मेहनत में कोई कमी नहीं होगी साक्षी की एक बहन भी है छोटी तो अभी आप किस क्लास में हैं इस इस बार मैं में में गई हूं। आप में गई हैं वर्ष देखिए आपकी बहन ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है कैसा लग रहा था आपको मेरा तो मतलब दीदी से भी ज्यादा एक्साइटेड मैं ही थी उस टाइम पे और जब कॉल आया था टॉपर वेरिफिकेशन का तो वो भी मैंने था एक चीज जान लीजिए कि चैलेंज बढ़ता है जैसे अगर ये रैंक टू लाए हैं तो आपसे और भी एक्सपेक्टेशन बढ़ गया होगा चैलेंज लग रहा है यस सर लग रहा है अब तो मतलब खुद को भी हो रहा है कि दीदी स्टेट टॉपर लाना चाहती थी बट उससे नहीं हो पाया तो उसका वो ड्रीम हम फुलफिलमेंट करें हाँ तो अब करना ही पड़ेगा क्योंकि पापा भी बहुत ज़्यादा मतलब आपसे उम्मीद लगा के रखे हैं और कहीं ना कहीं हम लोग भी चाहते हैं कि अगले साल जब हम लोग मधुबनी आए तो आपके यहाँ पे हम जरूर आए और आपको हम उस तरीके से देखना चाहते हैं कि आप अपना स्टेट में अच्छा रैंक ला ला रहे होंगे जी सर मेरी तरफ से हंड्रेड परसेंट मेरा रहेगा आप मैं तो चाहूंगी कि आप आए और जरूर आएंगे सर अब साक्षी आप थोड़ा सा हमें ये बताइए आप कैसे कितना कितना घंटे पढ़ाई कर रहे थे सर अगर घंटों की बात करें तो घंटा देखते नहीं थे टारगेट रहता था कि आज इतना कवर करके सोना है तो फिर वही था घंटा फिक्स नहीं था तो चलिए आप सबसे पहले साक्षी हम आपसे ये जानना चाहेंगे जैसे आपकी छोटी बहन है आप तैयारी के दौरान जो कमियाँ रह गई क्या आप स्टेट टॉपर में नहीं आ पाई जैसे आप अपनी बहन को सलाह देंगे प्रकार बिहार की हजारों आपको सुन रही होंगी तो उनसे क्या कहना चाहेंगे किस तरीके से वो तैयारी करे कि वो स्टेट में आए जी सर मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी अब अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जाके जो पढ़ाई करते हैं तो कितना भी हम पढ़ लें ऐसे रैंक नहीं आ सकता नहीं। तो अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दें और सिलेबस कवर करें और जहाँ पे रिलेवेंट चीज मिल रहा है वहाँ पे जाके पढ़े अभी से ही सब कुछ ढूंढ लें को फॉलो करें एक चैनल को फॉलो करें अच्छा रैंक आएगा सेल्फ स्टडी पे फोकस करिए अपने एनसीआर बुक पढ़िए तो बुक्स में कौन से बुक्स आप फॉलो करती थी एनसीआर सारा का सारा एनसीआर है जो चाहते हैं कि हम साक्षीदी से ज्यादा नंबर लाए तो आप बताएंगे कि ऐसे ऐसे परेशानियां आती हैं इससे ऐसे बचना है हाँ लगता है कि कभी कभी बहुत ज्यादा बोरिंग लग जाता है पढ़ाई फिर ऐसे हम लोग एक दिन पढ़ लेते हैं फिर मन करता है अरे हो गया अभी तो बहुत टाइम है एग्जाम में अभी से क्या पढ़े तो वहाँ पे थोड़ा आपको अपने माइंड को समझाना पड़ेगा कोई आपको होना भी चाहिए मोटिवेट करने वाला नहीं तो आपको खुद से अंदर से मोटिवेट करना होगा कि नहीं ये टाइम है अभी पढ़ लिए तो फिर आगे मेरा फायदा होगा एक एक मिनट एक घंटा हम लोग जिसको समझते हैं कि ये यूजलेस है शायद हम आगे कर लेंगे बाद में कर लेंगे तो वो नहीं करना है सर तो ये सबसे मेरा तो यही यही है कि बहुत अच्छा जैसे मोबाइल को लेकर के हैं जैसे कि फोन में आप देखती थी तो मोबाइल का क्या होता है दुरुपयोग भी होता है क्या आप सोशल मीडिया चलाती है नो किसी भी सोशल मीडिया पे आप नहीं है सोशल मीडिया पे रहना चाहिए बच्चों को रहना चाहिए सर मेरे हिसाब से नहीं रहना चाहिए स्टूडेंट लाइफ में सोशल मीडिया बहुत डिस्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद मान लीजिए उब जाती थी कि पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं अब मन नहीं लग रहा है अब क्या करें तो उस समय में आप क्या करें? जैसे कि लोग कहते पढ़ते पढ़ते सर मन नहीं लगता है तो मैं सोशल मीडिया चलाता हूँ उसमें ऐसे डूब जाते हैं कि पता ही नहीं चलता रात से सुबह हो जाता है ऐसे लोग डूब जाते हैं सोशल मीडिया में तो आप क्या करती थी सर पढ़ते थे जब मन नहीं लगता था तो पेरेंट्स के पास आके बैठ जाते थे पापा मोटिवेटिंग मतलब पूरा अच्छे से बताते रहते थे ऐसे ऐसे होता है कोई कोई स्टोरी बताते थे किसी किसी कहानी सबसे तो वहाँ पे फिर जाके वहाँ पे मोटिवेशन मिल जाता था कि हाँ चलो लोग फिर से पढ़ सकते हैं और ऐसे कोई नहीं रहा घर में अकेले रहे जैसे कि हम मई जून सब टाइम में हम अकेले थे पूरे घर में तो उस सब टाइम में मन नहीं करता था पढ़ने का तो फिर पढ़ते भी थे जब मन नहीं करता था अपना गैलरी वगैरह फोटो वगैरह देख करके उसमें स्क्रीन ही रहता था फिर मोटिवेटिंग वो सब रहता था वही सब देख करके ऐसे टाइम पास करते थे यानी कि आपका जब मन नहीं लगता था तो पापा से बातें करते थे हाँ, मम्मी से बातें करते बाते थे नहीं रहे तो लगा के बात कर लेते थे कॉल लगा कर बात कर, रहते थे, तो लगा के बात कर लेते थे पापा समाज में देखने को मिला आप आर्ट्स करने दिए थे इसको लेके भी बहुत सारे लोग बोले होंगे साइंस लेने दीजिए कॉमर्स लेने दीजिए घर में ही सब कहने लगा पढ़ने में अच्छी थी तो साइंस क्यों नहीं रखने दिया नहीं हम तो नहीं जो बच्ची ने चॉइस किया अपना रख लिया तो घर में सब कहने लगा साइंस रखना रखना चाहिए था क्यों नहीं रखी साइंस लेकिन हम यही कहते हैं कि गार्जियन पैसा खर्च करता है बाबू पढ़ना तुमको होगा मेहनत तुम्हें करना है अब आज के बच्चे अच्छी तरह से भली भांति अवगत हो चुके रहते हैं कि हमें क्या करना है नहीं करना है कौन कौन सी नौकरियाँ हैं कौन कौन सा क्षेत्र हम जा सकते हैं तो आपकी इच्छा जो हो जिसमें रुचि हो इंटरेस्ट हो ये नहीं कि फलाना वो आईटी किया तो मैं भी आईटी करूंगा उसने कॉमर्स रख लिया तो मैं भी कॉमर्स रख लूंगी उसने साइंस रख लिया तो मैं भी रख लूंगा ऐसा नहीं करूँ आपको जिसमें पढ़ने में इंटरेस्ट हो कि हाँ ये बोर्डिंग नहीं है मैं इसमें अच्छा कर सकती हूँ आप उसको सेलेक्ट कीजिए और उसी में आगे बढ़ी चुकी है ऐसा इसलिए कि जो मैथिली रखता है मैथिली ऑनर्स करते हैं क्या वो प्राध्यापक नहीं बनते हैं नेट क्वालिफाई नहीं करता है यूपीएससी नहीं करता है संस्कृत से भी तो किया है आप उस पर मत जाएं, आप अपनी अभिरुचि को देखें कि इंटरेस्ट किस में है किसमें आप अच्छा मतलब गहन अध्ययन कर सकते हैं आगे के बारे में सोचिए तो इस हिसाब से अपना बताइए कि हम आर्ट्स रखेंगे बिल्कुल ठीक है तो मैथ का कि मैथ मेरा अच्छा है तो मैथ रख लो इसलिए रख लो कि सर हम लोग मध्यम वर्गीय हैं कहने के लिए लोग कह देता है सिविल सर्विसेज यूपीएससी लेकिन क्या है नहीं है वो तो सबसे मतलब छुपी हुई बात नहीं है और दूसरी बात की मध्यम वर्गीय में होने के नाते ऐसा विषय कम्बिनेशन रखो कम से कम मतलब कि आफ्टर ग्रेजुएशन आप जनरल कंपटीशन में जा सकते हैं जहाँ एस एस सी सी जी एल वगैरह सब है उसको भी पैट कर लो इच्छा होगी तो उसमें जॉब करते हुए भी तुम आगे बढ़ सकती हो तो ऐसा ना हो कि अगर एक सपना पूरा नहीं हुआ तो हम कहीं अटक ना जाए तो इसके लिए मैथमेटिक्स रख लो अब बहुत ही अच्छा विषय है मैथ वो विषय है सर कि यदि आप कुछ भी नहीं किए हाँ। कम से कम आप बच्चों को पढ़ा करके भी अपना जीवन यापन कर सकते बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका एक तरीके से देखा जाए तो मतलब वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया गया या फिर उनका मार्क्स उतना बेटर नहीं आ पाया जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अपना डिस्ट्रिक्ट टॉपर स्टेट टॉपर का सपना देखे होंगे तैयारी भी किए होंगे गोल भी सेट किए होंगे लेकिन नहीं आ पाया होगा उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर मैं उन सभी बच्चों से कहना चाहूंगी डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है क्योंकि ये लास्ट नहीं है लास्ट चांस नहीं है आगे आपको और भी बहुत कुछ करना है तो आप इस जर्नी के दौरान हम कुछ हम लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं भले ही रैंक नहीं आया लेकिन कोई बात नहीं आप उतना मेहनत तो किए मेहनत करना तो सीख गए तो आगे आप लोग बस आगे बढ़ते रहिए पीछे मुड़के नहीं देखना है जो हो गया सो बीत गया जितना मार्क्स आया ठीक है आगे और बेहतर कीजिए अब लास्टली आप ये चीज आप बताइए अगर एक स्टूडेंट बहुत अच्छे से पढ़ने में पूरा कॉन्सियस रहते हैं ऑनलाइन में पढ़ के वो अपने बोर्ड परीक्षा में स्टेट टॉपर डिस्ट्रिक्ट टॉपर रैंक ला सकते हैं हाँ सर ला सकते हैं बिल्कुल ला सकते हैं बहुत बहुत बच्चों ने लाया भी है मैंने भी लाया है मैंने ऑनलाइन ही सारी क्लासेस किए थे तो ऑनलाइन में इनफैक्ट ज्यादा बेनिफिट है क्योंकि आप घर में रहते हो डिस्ट्रैक्शन कम रहता है अपने रूम में अपने इन्वायरमेंट में तो ऑनलाइन मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन बहुत अच्छा है सर तो बच्चों आज की इस कहानी में बस इतना ही हम लोग फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ किसी और संघर्ष के साथ किसी और स्टूडेंट के साथ तब तक लिए धन्यवाद